रांची जंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रांची रेलवे स्टेशन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे चैनल में नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। रांची रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व जोन में आता है। इस स्टेशन का कोड RNC है। रांची रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य 1908 में शुरू किया गया था। स्टेशन के बाहर ही टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर से टिकट कटाने के बाद आप रांची स्टेशन में प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। ज्यों ही आप प्लेटफॉर्म में अंदर जाते हैं तो आप प्लेटफॉर्म संख्या 1 में खड़े हैं, और प्लेटफॉर्म संख्या 1 में ही आपको बहुत से स्टॉल लगे मिलेंगे, जिनमें बुक स्टॉल है, खाने पीने के स्टॉल है, और वहाँ एक डिस्पेंसर मशीन भी लगाई गई है कोरोना पीरियड में, जहाँ आपको सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड ग्लव्स भी आपको मिलेंगे। आपको यहाँ बकायदे पैसे डालने पड़ेंगे और उसकी कीमत आपको इस चार्ट में दी गई है। आप अपने उस निर्धारित पैसे को उसमें डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। और हर प्लेटफॉर्म में आपको शुद्ध पेयजल के लिए फिल्टर वाटर मिलती है, जिसमें अगर आप अपने बोतल लाते हैं तो 5 रुपये में 1 लीटर, और अगर आप बोतल नहीं लाते हैं तो इनके द्वारा जो बोतल दी जाती है उसमें 8 रुपये उनकी कीमत है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म में निशुल्क पेयजल की भी व्यवस्था है। रांची स्टेशन में कुल 5 प्लेटफॉर्म है, और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए स्वचालित सीढ़ियां लगी हुई है, जिसके सहारे आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। जिन यात्रियों ने स्वचालित सीढ़ियाँ कभी नहीं देखी या चढ़ी, वे इसमें चढ़ने का आनंद भी लेते हैं। पहले तो वो डरते हैं, उसके बाद वो चढ़ जाते हैं और स्वचालित सीढ़ी का वो आनंद लेते हैं डरते डरते। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। रांची स्टेशन काफ़ी व्यस्तम रेलवे स्टेशन में आता है। झारखंड बनने के बाद रांची रेलवे स्टेशन बहुत ही व्यस्तम रेलवे स्टेशन बन गई है। आपको यहाँ से भारत की चारों महानगर कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई आप आसानी से जा सकते हैं। इन चारों महानगर में जाने के लिए आपको रेलगाड़ियां रांची स्टेशन में उपलब्ध है।
झारखंड की राजधानी रांची के आसपास बहुत से पर्यटन स्थल है और लोग यहाँ उन पर्यटन स्थलों में घूमने का मजा लेने के लिए रांची स्टेशन आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची बनने के बाद सैलानियों का आना जाना काफ़ी बड़ा है और ये रेल की यात्रा ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रेल की यात्रा आरामदायक, सुरक्षित और काफ़ी किफ़ायती होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी रेल की ही यात्रा करना पसंद करते हैं। रांची प्लेटफॉर्म में आने के बाद आप सीढ़ी व स्वचालित सीढ़ियों का प्रयोग कर आप स्टेशन से बाहर जा सकते हैं। रांची स्टेशन से बाहर निकलने पर आपको इस स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल सेवा, रैपिडो, ओला कैब, ऑटो रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा की सुविधा बाहर में मिल जाएगी। आप जहां जाना चाहते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इनका सहारा लेकर आप जा सकते हैं। जाने से पहले कीमत तय कर ले। जाने के बाद क्या होता है कि ज़्यादातर झगड़ा होता है, तो इसलिए आप ऑटो में बैठने से पहले, रिक्शा में बैठने से पहले कीमत पहले ही तय कर लें। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक एंड शेयर करते हैं, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो गाइस, आप
मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।